हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो जो ये रीडिंग है जनरल टाइमलेस कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ठीक है। उसकी फ्लेम को देखते हुए अपने पार्टनर के नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। दीज आर एनर्जाइज कैंडल होती है ये, ठीक है। एनर्जाइज वाटर के साथ इनको करा जाता है। सो इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो जो ये कैंडल वैक्स रीडिंग निकल कर आती है ना, बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से निकल कर आती है। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। पहले डिवाइन से प्रे करते हैं, आप भी प्रे कीजिए साथ में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, इसकी फ्लेम को देखते हुए अगर आपकी कोई भी विश है अपने पार्टनर के लिए, तो यस आप उस विश को बोल सकते हो, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। माय गॉड, मतलब आज जो फ्लेम्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रही है, विच शोज एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर में मुझे काफी एनर्जी, काफी ऑब्सेशन आपके लिए मुझे नजर आ रहा है, काफी स्पार्क नजर आ रहा है, ठीक है। और ये चीज मुझे ये दिखा रही है कि पर्सन में भी आपको लेकर किसी चीज के लिए इनसिक्योर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा पता है उनको क्यों लग रहा है ऐसा। आपके पार्टनर को इसलिए लग रहा है क्योंकि मे बी आप उन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल साइलेंट हो, आप बिल्कुल उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपकी तरफ से मतलब उनको कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ नहीं हो लेकिन फिर भी अगर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो उसका रीजन ये है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये चीज आपके पार्टनर को काफी इनसिक्योर कर रही है, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फील करवा रही है। ओके, ये पर्सन इमेंस लव है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा प्यार जिसे कहा जाता ना, वो बहुत प्यार इस पर्सन के दिल में है आपके लिए, लेकिन कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा उस लव को। और इवन अभी भी आपको बहुत कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर ये पर्सन शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपको ऐसे दिखा रहे हैं ये पर्सन के जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर जाने से, आपके इनकी लाइफ में ना होने से। अगर आप सेम ऑफिस में हो तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये पूरे तरीके से अपने काम पर, अपने वर्क पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको नहीं देखते हैं या आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग हो सेम ऑफिस, सेम कॉलेज, सेम प्लेस है आपका, वर्क प्लेस सेम है, ठीक है। या आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, एक साथ रहते हो आप लोग, ठीक है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं, बट ये चीज वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये चीज वो आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काफी इमेच्योर एनर्जी भी काफी इमेच्योर एनर्जी भी उनकी हो सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जो कि मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे उन्होंने बात बंद कर दी है, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिली, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पता है आपसे बात क्यों बंद करी है? अगर आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो और आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो आप उनसे खुद जबकि बात करना चाहते हो लेकिन खुद ही वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं करा उनसे बात करने का, लेकिन वो पर्सन खुद ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन को ही अवॉइड करा जा रहा है यहाँ पर, ऐसा पता है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर ना भागना चाहते हैं सिचुएशन से, वो सिचुएशन का सामना करने वाले लोगों में से नहीं है, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रेंथ, करेज नहीं है। मैंने कहा ना, ये बहुत इमेच्योर पर्सन है, बहुत ज्यादा इमेच्योर पर्सन है। इनके अंदर सिचुएशन का सामना करने का करेज नहीं नजर आ रहा है।
ओके, तो ये भागना चाहते हैं या आपको अगर इन इन्होंने इनको पता क्या लगता था, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक पार्टी है जिनकी तरफ ये अट्रैक्शन फील करते हैं अभी, ठीक है, और ये आपको छोड़ना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, आपसे दूर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी दिए बिना ये पर्सन ऑफ की सिचुएशन आपको देकर, ठीक है, यानी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी कि क्यों आपसे दूर जा रहे हैं, बस आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। सेकेंड सिचुएशन में देख रही हूँ कि इनके ऊपर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, और इनकी फैमिली इनको मना कर रही थी कि नहीं, इन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें आपसे कंटेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड मुझे इनके फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने आपको वहां पर भी कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ समझाने की कोशिश नहीं करी, कोई रीजंस नहीं दिए, सीधा आपसे बात बंद कर दी, ये उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर भागे हैं आपके पार्टनर, है ना, ये इन्होंने आपको फेस करने की बजाय आपसे भागने की ज्यादा कोशिश यहाँ पर करी है। तो ये ना भागते हैं सिचुएशन से, सिचुएशन का सामना नहीं करते आपके पार्टनर, ठीक है। और अगर ये आपको ऑफ की सिचुएशन देकर गए भी है ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो, ओके, एकदम से ड्रॉप गिरनी जैसे बंद हो गई, राइट। ये अगर आपसे गए भी है ना दूर और आपको रीजंस भी दिए, तो वो रीजंस भी फेक थे, ट्रू रीजंस नहीं दिए इन्होंने आपको, ठीक है, रियलिटी इन्होंने नहीं बताई आपको। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर आपसे ये दूर चले जाएंगे ना, तो ये खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इनकी लाइफ और इजी हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। जब से ये आपसे दूर गए ना, इनकी लाइफ और ज्यादा टफ हो गई है, और ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो यस, ये पर्सन लेकिन अब उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, जब ये आपसे दूर जा चुके हैं, यू नो, इनके अंदर अब फीलिंग्स, अब प्यार वो डेवलप हो रहा है जो प्यार इनके अंदर पहले ही डेवलप हो जाना चाहिए था, ठीक है। जब आपको छोड़ चुके हैं, जब आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, जब उन्हें ये दूरियां महसूस हो रही है ना, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये आपके बिना नहीं जी सकते हैं, अब इन्हें एहसास हो रहा है। पहले इन्हें लिटरली लगता था कि आपके बिना जिंदगी आसान होगी, पर इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, जहां तक कि मैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है जो इनको प्यार दे, जो इनकी केयर करे, जो इनको सपोर्ट करे, ठीक है। सो यस, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है इनके पास जो इनको समझे, और इनके पास तो कोई ऐसा शख्स भी नहीं है जिसके साथ ये चीजें ना शेयर कर सके, ओके, जिसके साथ ये चीजें शेयर कर सके या जिनसे ये एडवाइस ले सके। स्ट्रांगली यहाँ पर लेटर एस नजर आ रहा है मुझे, एस लेटर है यहाँ पर, के लेटर नजर आ रहा है, टी लेटर नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये पर्सन काफी ब्लैक ड्रॉप्स जैसे नजर आ रही है मुझे, ठीक है। तो देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, जैसे किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल करा है, या किसी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक मैजिक या तो उनके ऊपर करा गया, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए। आपके पार्टनर वैसे बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं है जो लोगों की बातों में आ जाए, ठीक है, जो लोगों को या जल्दी से लोगों पर यकीन कर लें। आपके पार्टनर उन लोगों में से नहीं है, काफी स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए तभी ऐसी चीजों का यूज करा गया, स्पेल का यूज करा गया है, ब्लैक मैजिक का यूज करा गया है, ताकि इन पर कंट्रोल करा जा सके। थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करना चाहती है, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ना, लाइक इनकी फैमिली, इनका कोई फ्रेंड, या फिर कोई भी, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है, कोई है पर्सन जो इनको बहुत पसंद करता है, लेकिन आपके पार्टनर उन्हें पसंद नहीं करते, तो क्योंकि वो पर्सन आपके पार्टनर को चाहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ ऑब्सेस्ड करने के लिए उन पर स्पेल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर लॉयल और ऑनेस्ट नहीं रहे हैं आपके साथ, काफी लॉयल ऑनेस्ट थे आपके पार्टनर, काफी अप्रिशिएट करा है, बहुत अप्रिशिएट करना, लव बॉम्बिंग बहुत ज्यादा करी गई है आपको स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के, ठीक है, बहुत प्यार दिखाया है इस पर्सन ने, और ऐसे ही आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं आ गया है ना, इतना प्यार दिखाया है इस पर्सन ने आपको, बहुत प्यार दिया है इस पर्सन ने आपको। (clears throat)
यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जी भी फील कर रही हूँ जहां पर इट्स लाइक अ बैग, जैसे बहुत बैगेज है इनके ऊपर, ठीक है. मे बी यहाँ पर दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, या तो ये कार्मिक बैगेज हो सकता है, यानी कुछ है जो अभी कार्मिक्स में है, ठीक है, जो कंप्लीट होना है. ओके, तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होनी है, इस वजह से आप दोनों या तो सेपरेट हुए हो, ठीक है. तो वो कार्मिक बैगेज जो है उसे कंप्लीट होना है, ठीक है, खत्म होना है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो. या ऑन सेकेंड नोड ये बैग इस चीज को भी डिफाइन कर रहा है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है, इनके ऊपर लिटरली जेन्युइनली बहुत बर्डन है, या तो अपनी फैमिली का या थर्ड पार्टी का बर्डन है, ठीक है, प्रेशर है इनके ऊपर कोई, जिस वजह से ये पर्सन बहुत रिस्ट्रिक्टेड और हेल्पलेस फील कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि वो चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, यू नो. सो यस, देयर इज अ बर्डन. ओके, कोई इल्यूजन आपके पार्टनर का टूटा है, कोई भ्रम था इनको, ठीक है, वो जैसे खत्म हुआ है इनका, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ. पता है आपके पार्टनर पहले आपको लेकर ना बहुत ज्यादा सोचते थे कि क्या आप सही पर्सन नहीं हो, ठीक है, या तो ये चीज किसी ने इनके माइंड में डाली थी, ठीक है, किसी ने इनका माइंड वॉश करा था कि आप जो हो आपके या तो बहुत अफेयर्स हैं, या तो आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हो, आप किसी के साथ भी कनेक्शन में चले जाते हो, रिलेशनशिप में चले जाते हो, ठीक है. सो यस, काफी हद तक उनके दिमाग में कुछ गलत डाला गया था आपके खिलाफ, या फिर उनके उनके दिमाग में ये चीज भरी गई थी कि हाँ, वो आप उनके साथ अगर हो तो किसी ना किसी मतलब की वजह से आप उनके साथ हो, ठीक है. तो ये इल्यूजन था आपके पार्टनर को, बट मैं यहाँ पर वो इल्यूजन भी क्लियर होते हुए देख रही हूँ. किसी ने तो वो नेगेटिविटी भरी थी और अब वो नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, एंड आपके पार्टनर सच्चाई को देख पा रहे हैं, यानी वो सच्चाई रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप गलत नहीं हो. ओके, जिसने उन्हें भड़काया है वो पर्सन गलत है, तो उस पर्सन की तरफ भी उनको रियलिटी चेक मिल रहा है, यानी उस पर्सन की तरफ भी उनको रियलिटी नजर आ रही है. ये इल्यूजन थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी उनको पहले लगता था कि थर्ड पार्टी जो है ना उनकी लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टी काफी काफी एक्सपेक्टेशन थी उनकी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, थर्ड पार्टी पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कभी उनके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगी, उसकी उनकी हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है. लेकिन जब वो आपको छोड़कर गए ना थर्ड पार्टी की तरफ, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी तो वैसी है ही नहीं जैसा वो सोच कर गए थे उनकी तरफ, ठीक है. तो जो एक इल्यूजन उनका थर्ड पार्टी की तरफ भी था ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटा है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, इनका ट्रस्ट टूटा है, ठीक है. थर्ड पार्टी की तरफ अगर इनका कोई ट्रस्ट था ना, तो वो भी टूटा. अब अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो फैमिली की तरफ इनको लगता था कि इन्हें अपनी फैमिली की सुननी चाहिए, अपनी फैमिली पर भरोसा करना चाहिए और आपको छोड़ देना चाहिए, इनकी फैमिली ज्यादा अच्छे से जानती है, ठीक है. तो इन्होंने फैमिली की सुनकर हो सकता है आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, बट आज ये फैमिली की तरफ से भी इनका इल्यूजन टूटा है, क्योंकि जब ये अपनी फैमिली को देख रहे हैं तो इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके दूर जाने से, ठीक है. इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे मेंबर्स नजर आ रहे हैं फैमिली के, जैसे इनके इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, मे बी इनकी फैमिली में 3 to 4 मेंबर्स हैं, ओके. सिंगल या जॉइंट फैमिली भी आपके पार्टनर की हो सकती है, एंड आई कैन सी कि ये पहले अपनी फैमिली पर ट्रस्ट कर इन्होंने इस रिलेशनशिप को ब्रेक तो करा, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इनकी फैमिली को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, इनकी फैमिली तो खुश है, हैप्पी है, और ये अगर उदास हैं तो इनको कंसोल करने के लिए, इनको प्यार दिखाने के लिए भी कोई नहीं है इनके पास. आपने भी अपनी एनर्जी इनकी तरफ से खींच ली है, यानी आप भी इन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप इन्हें स्टॉक नहीं कर रहे हो, इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है. एंड यस, इनको लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है इन चीजों के लिए, कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, उनको लग रहा है कि आपको कोई तो गाइड कर रहा है इन चीजों के लिए. ये ऐसा इसलिए उन्हें लगता है क्योंकि उनको कोई गाइड कर रहा है ना, ठीक है. हो सकता है इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इनको कोई माइंड वॉश इनके करने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, इनको आपको अश्योरेंस नहीं देनी है, तो उनको लगता है कि आपको भी कोई गाइड कर रहा है, आपको भी कोई भड़का रहा है, ठीक है. आपकी मदर हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, आपके ब्रदर हो गए, आपकी कोई फ्रेंड हो गई, तो उनको ये भी लगता है कि आपको कोई ना भड़का रहा है उनके खिलाफ, ठीक है, जिस वजह से आप इतना चेंज हो गए हो, क्योंकि दिस पर्सन कैन सी द चेंज, ये आपके अंदर बहुत स्ट्रांग चेंज देख पा रहे हैं.
आपका पहले से काफी बोल्ड हो चुके हो, आप पहले से काफी प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपने अपने इमोशंस को काफी बैलेंस कर लिया है, यू नो. और अगर आपको लगता है ना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ऐसा नहीं कि इनका दिल नहीं करता है कि अपनी दिल की सुने, आपके पास आ जाए, आपके साथ रिलेशनशिप को सही करें, ठीक है, बेहतर बनाए आपके साथ रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है. ये भी चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, ये भी आपके साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है. लेकिन मैंने कहा ना, ये कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कोई बर्डन है इनके ऊपर, फैमिली की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की सुन ही नहीं पा रहे हैं ये पर्सन. बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है. एंड इस समय ये पर्सन बहुत ज्यादा पुरानी यादों में भी है, ठीक है, यानी आपके प्यार को बहुत याद कर रहे हैं. आपने अगर कभी कुछ इन्हें गिफ्ट्स दिए हैं तो ये उनको देख रहे हैं, ठीक है, उनको याद कर रहे हैं. यहाँ पर एकदम से लेटर एफ नजर आया मुझे. हो सकता है आपका पार्टनर का निक नेम या तो एफ से स्टार्ट होता हो या उनके पूरे नाम में कहीं एफ आता हूं, तो एफ लेटर इज वेरी स्पेसिफिक हियर राइट नाउ. एंड यस, कभी आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया हो, ठीक है. ओके, यहाँ पर एकदम से बाइक बनी है. I don't know, ये बाइक आपकी है, उनके पार्टनर की है, बट देयर इज अ बाइक ट्रांसपोर्टेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है. हो सकता है ये पर्सन चाह रहे हैं कि एकदम से, मतलब अपनी बाइक पर या अपने ट्रैवल कर कर, ट्रांसपोर्ट कर कर आपके पास आए, आपसे बात करें या आपसे मिलना चाह रहे हैं, यू नो. यस, तो मैं जैसी एनर्जी देख रही थी, यहाँ पर हो सकता है आपने इन्हें कभी कोई गिफ्ट दिए हो, ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं, ये इन्हें पुरानी बातें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स तो इन्हें बहुत याद आ रहे हैं. मतलब ये पर्सन मुझे ना कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. जब तक ये आपके साथ थे, इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी कितनी अमेजिंग लाइफ थी. एंड जब से अब आपसे दूर हुए ना, इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल बदल गई है. सो ये ऐसी उस चीज को भी देख पा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. जब ये आपके साथ है तो ये कितने खुश थे, हैप्पी थे, और अब जब ये आपके साथ नहीं है तो बिल्कुल उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं. मैं इनको वापस आता हुआ भी देख रही हूँ. ओके, मैं इनको वापस आता हुआ भी देख रही हूँ. ये पर्सन आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं. ये पर्सन लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको कॉन्टेक्ट करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है. बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको कौन, या तो इनके ऊपर थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा नजर रखी हुई है, इनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा या तो इनके ऊपर नजर रखी हुई है, या आपको चाहकर भी कॉल मैसेज ना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड है इस समय, बाउंडेड हेल्पलेस नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है. सो ये चाहकर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बट इनकी दिल इच्छा बहुत है कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट कर पाएंगे किसी तरीके से भी, ठीक है. हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन का सहारा ले सकते हैं जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, ठीक है, ताकि ये आपसे बात कर सकें. बहुत स्ट्रेस है आपके पार्टनर के माइंड में. इस पर्सन ने आपको बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स भी दिए हैं, यानी बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स भी आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिले होंगे. कभी आपको ये बहुत प्यार दिखाते हैं तो कभी बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर शो करते हैं, जिस वजह से आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि इनके दिल में आपके लिए क्या है. ओके, इनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, आप भी नहीं जान पा रहे हो. बट यस, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं. आई कैन सी ये पैटर्न कंप्लीट होगा. देयर सो मेनी सर्कल्स व्हिच शोस के पैटर्न कंप्लीट होने वाला है. ओके, आप दोनों के बीच का ये लौट कर, घूम फिर कर, सर्कल मीन्स ये घूम फिर कर लौट कर आपके पास आएंगे. एंड दिस इज ऑल्सो नंबर 8 यहाँ पर स्पेसिफिकली बना है. हो सकता है कि 8 नंबर स्पेसिफाइज, 8 नंबर को अगर आप टिल्ट कर दो ना तो इट इज एन इन्फिनिटी साइन, ठीक है. तो विच अगेन शोज कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है. तो आप दोनों बहुत सिमिलर फीलिंग्स हैं आप दोनों के बीच में. तो अगर यहाँ पर आप जो फील करते हो ना, आपके पार्टनर भी वही फील आपके लिए करते होंगे, ठीक है. अगर आप यहाँ उदास हो तो वो भी उदास होते हैं, आप अगर खुश हो तो वो भी खुश होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से एक बॉन्ड है, कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. और इन्फिनिटी साइन ये भी बताता है कि आप लोगों का रीबर्थ, रीइंकार्नेशंस होते रहे हैं, ठीक है. यानी आप सिर्फ इस बर्थ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप पिछले कहीं बर्थ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और आप दोनों के बीच में ये सोल टू सोल कनेक्शन है. ओके,
चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। वी हैव ओनली नेवर बीन फ्रेंड्स, उन्हें पता है। देखो हो सकता है कि आप दोनों स्टार्टिंग में सिर्फ दोस्त थे, ठीक है, फिर दोस्ती के बाद ये रिलेशनशिप या तो डेवलप हुआ आप दोनों के बीच में, जब आप दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू करा, आप दोनों के दिल में फीलिंग्स आई। सो यस, उनको पता है क्या रियलाइज होता है, उन्हें लगता है कि हम दोनों हमेशा से हमारी सोल्स कनेक्टेड थी, हम फ्रेंडशिप से भी ऊपर हैं आप दोनों का कनेक्शन, राइट। वो आपका वेट आज भी कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को आज भी ये चीज फील होती है कि आप उन्हें कॉल कर दो या आप उन्हें मैसेज कर दो। आप हमेशा से उन्हें कॉल मैसेज आफ्टर ऑल करते आए हो, ठीक है, तो उनको ये चीज आज भी फील होती है कि आप ही उन्हें कॉल कर दो या मैसेज कर दो, तो वो आज भी वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का। आपको सोलमेट मानने लगे हैं और आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन उनको फील होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमेशा से यू नो ये पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच में है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस वो देख रहे हैं, ठीक है, और वो जानना चाहते हैं वजह इस चेंजेस की क्या वजह है। ओके, वरेड भी होते हैं ये पर्सन आपके लिए, यानी इनको बहुत चिंता होती है आपकी कि आप क्या फील कर रहे होंगे, आप क्या महसूस कर रहे होंगे, आप क्या सोचते होंगे इनके बारे में, आपके दिल में आप इनके लिए क्या है, ये सवाल उनके दिमाग में बहुत घूमते हैं। ये किसी के लिए रोते नहीं, बट यस ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं। अगर ये अकेले बैठते हैं कहीं, रात तो इनके लिए ऐसे होती है जहां पर ये रो देते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट देयर एनर्जी इज, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी आपको जरूर मुझे बताएं, एंड लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आज की वीडियो को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।